मैं वार्ड नंबर तेरह का कारपोरेटर फारूक खान फैजुल्ला खान और प्रभाग तीन का दो साल सभापति भी रह चुका मैं आप कमालपुरा इलाके से कारपोरेटर है, वर्ली रोड, कमाल कमाल में आता है। आ, मेरे इलाके में आते कितने पेशेंट इस इलाके में पाए गए करीबन ग्यारह तो ये जो ग्यारह लोग पाए गए और इनके रिश्तेदारों को कहा रखा गया है बड़ी मालेगा स्कूल में तो वो लोग आपके रबते में है हाँ उनका फ़ोन पे बातचीत मेरी चालू है तो अगर कोई खाने की दिक्कत आ रही या कोई ऐसा मसला रह रहा तो मुझे फ़ोन कर रहे तो मैं नगर पालिका के अधिकारी लोगों से बातचीत करके उनका मसला हल हो रहा है जो मरीज यहाँ पे पाए गए तो वो क्या हालत है और वो कहाँ वो सिविल हॉस्पिटल में है और उनकी भी मालूम ऐसी मिल रही है वो भी मतलब ठीक कंडीशन में है। क्या वजह है कि कमालपुरा मोमिनपुरा और वली रोड से इतनी बड़ी तादाद में मरीज पाए गए इसकी वजह ऐसी है क्या लापरवाही तो हमारे वार्ड की बहुत ज़्यादा है कि जो भीड़ एक जगह पे ज़्यादा गर्दी कर रहे और कुछ मामला ऐसा भी सामने आया कि बम्बई से कुछ लोग आए थे तो वहाँ से मतलब बीमारी बम्बई से एक पेशेंट आया उसकी वजह से ऐसे लगते लगते यहाँ तक मामला फैला अभी वार्ड की आवाम शिकायत करती है कि वार्ड में साफ़ सफाई नहीं होती है वार्ड में तो कंटिन्यू साफ सफाई तो चालू ही रहती मगर आज की पोलिसन ऐसी है कि यहाँ मलेरिया की दवा की ज़रूरत है और साफ सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे वार्ड में कर्मचारी नहीं है कर्मचारी नहीं के बराबर मैंने कमिश्नर से कई बार ये मुतालबा करा कि कमिश्नर साहब मेरे वार्ड में कर्मचारी नहीं है कमिश्नर साहब का हर वक्त तो यही बोलना था चार दिन में आठ दिन में हम आदमी बढ़ाएंगे आज ऐसे हालात है कि साफ सफाई की बहुत जरूरत है आवाम भी चाह रही मेरे वार्ड की साफ सफाई रहे और दवा का छिड़काव रहे कंटिन्यू मैं भी कमिश्नर साहब को फोन कर रहा हूँ तो अभी फ़ोन नहीं उठा रहे कापड़नी साहब फ़ोन नहीं उठा रहे दोनों फोन नहीं उठा रहे और दवा की और साफ सफाई की बहुत ज़रूरत है मेरे वार्ड में अभी आप कार्पोरेटर है लोग तो आपसे शिकायत कर रहे हो कंटिन्यू शिकायत कर रहे लोग का साफ सफाई होना अगर कॉर्पोरेशन के अधिकारी ऐसे ही फोन नहीं उठाते रहे तो 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 आवाम मर जाएगी फिर आप क्या करेंगे नहीं वो तो बहुत बुरा मामला चल रहा है अभी अगर ये कल कल तक अगर साफ सफाई का निज़ाम नहीं बदला तो कल नगर पालिका में जाके कमिश्नर के, के पास जाके हम बात करेंगे आपके इलाके को चारों तरफ से रेड जोन हाई रिस्क जोन बोल के सील कर दिया गया है तो आवाम को और आपको क्या प्रॉब्लम क्या तकलीफ आ रही है अभी तो जैसे सील करे तो सील करना तो बेहतर है सील हुआ तो कम से कम आवाम अपने अपने घरों में रहेंगी और ये आवाम का ही फायदा है कि अपने अपने घर में आवाम रहे इस, इसके वास्ते सील करे ले तकलीफ तो देखो 19 बीस चली रही मगर नगर पालिका ने भी चौदह नंबर स्कूल में बंदोबस्त करे ले अगर किसको कुछ लगा सब्जी सब्जी भाजी किसको अगर लगती तो तीन मोबाइल नंबर दिए नगर पालिका की तरफ से उनसे कांटेक्ट करके मंगाओ अभी आप लोगों का इलाका सील कर दिया गया सील होने से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं बाहर के लोग अंदर नहीं आ पा रहे अंदर नहीं आ पा तो नहीं आपका इलाका कैसा है और उनको क्या प्रॉब्लम हो रहा है प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा ऐसा है कि हमारा इलाका झोपड़पट्टी इलाका और गरीब बस्ती है गरीब बस्ती है गरीब बस्ती में जैसे सभी सियासी सामाजिक तंजीमों ने सभी यह बस्ती के ऊपर ध्यान देने होना और जो भी मतलब हमारे मालिक और शहर के सेडिया लोग हैं सबसे पहले मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि जो सेठ लोग हैं उनने बस्ती पे ध्यान देने होना और पूरे शहर में तो ऐसे भी हालात है क्या हमारे आमदार साहब का भी एक इंटरव्यू आया शेख आसिफ साहब का माजी आमदार का क्या जितने भी मजदूर तबके के लोग है वो लोगों ने अपने अपने कारखाना मालक से मोहब्बत से बात करके और अपनी बन की पगार लेना चाहिए और ऐसे टाइम में हर मालक ने देने भी होना अपने मजदूर को अगर मालक ने संभाले ना तो कौन संभाले अभी एक बात है तो आप अपने की से नहीं, क्या करना चाहेंगे उनको मैं हाथ जोड़ के उनसे उनको अल्लाह का वास्ता दे के यही तम करना चाहता कि वो अपने घर में रहे और रोड पे ना आके गर्दी करे सर मेरे यूट्यूब चैनल पर आपके वार्ड के मुताबिक शिकायत आई है और उन्होंने लिखा है एक लेडी ने लिखा है कि प्लीज़ साफ सफाई के ताल्लुक़ से कुछ कीजिए मोहल्ले में बिल्कुल भी सफाई नहीं हो रही है पिछले पंद्रह दिनों से गटरों की सफाई नहीं हुई है गंदगी का अंबार लगा हुआ है हमने पूछा कौन सा इलाका तो उन्होंने कहा कमालपुरा और उन्होंने ये भी लिखा कि दवा का छिड़काव भी नहीं हुआ है कॉरपोरे कॉरपोरेशन के बंदों का पता नहीं कहाँ काम कर रहे हैं कोई दिखाई नहीं दे, देता तो इस तल्लु से क्या कहेंगे आप इस ताल्लुक से मेरा कहना यह है कि अभी जब से कमालपुरा सील हुआ कमालपुरा मुमिनपुरा पहले तो वार्ड में कर्मचारी नहीं के बराबर है जो वार्ड में अगर 50 लोग रहने हो ना तो 15-20 लोग पूरे पूरे वार्ड में और वार्ड 5 किलोमीटर का वार्ड है कमालपुर से लेके तो जाफर नगर पाँच तक के वार्ड है और उसमें बीसें कर्मचारी काम करने वाले तो कर्मचारी की तो पहले ही तकलीफ़ और एरिया सील होने की वजह से और कर्मचारी भी नहीं आए मैं कमिश्नर साहब से और डिप्टी कमिश्नर से यही अपील कर रहा बार बार उनको फ़ोन कर रहा कि यहाँ कर्मचारी भी नहीं है और दवाओं का छिड़काव भी होना अगर वो कल कल तक अगर कर्मचारी नहीं बढ़ाते और इधर साफ सफाई नहीं करते और दवा नहीं भेजते तो कल जाके कमिश्नर ऑफिस में बात करेंगे आप वार्ड के कारपोरेटर है आपकी क्या कोशिश रही इस वक्त वार्ड को लेकर कोशिश तो ये रही कि हमने हमारे से जीतता हुआ बोलने की बात नहीं है जीतता हुआ वार्ड में अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उतना वार्ड में हमने मदद करी साफ़ सफाई और सरकारी कामकाज को लेकर आपकी क्या कोशिश रही है साफ सफाई तो मेरी कंटिन्यू चालू रहती वार्ड सील होने की वजह से और ऐसे हालात कोरोना के पेशेंट कमालपुरा मोमिनपुरा में मिलने की वजह से लोग भी थोड़ा सा डर रहे इधर आने फिर भी हम उनको फोन लगा के कंटिन्यू हमारा काम चालू है कोशिश पूरी पूरी चालू है कि इधर साफ सफाई भी चले और बाकी लोग तो ऐसे है क्या सियासत करते ही दो दो पाँच सौ रुपये की तोड़ी करने वाले लोग है जो अगर उनको नई हजार पाँच सौ दिए तो वो कुछ भी लिख के मोबाइल पे डाल देते ऐसे लोग तो कंटिन्यू चालू है और मैं ऐसे लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आज सियासत करने का टाइम नहीं है अगर आज हमने गरीबों को का साथ दिए और सबको ले लेके चले तो यही बेहतर है आज सियासत करने का टाइम नहीं है आप एक बात को तस्लीम करते हैं कि आपके इलाके की आवाम साफ सफाई का कम ही ध्यान रखती है दूसरे इलाकों की बनिस्बत क्या आप इस बात को मानते हैं मैं साफ सफाई के बारे में तो मैं कंटिन्यू सुबह सात बजे से उठ के साफ सफाई कराता और एरिया सील होने की वजह से ही थोड़ा सा अभी तकलीफ आएगा मगर इन कल से उसका भी निजाम चेंज होगा आपके इससे मुताल नहीं बात कर रहा हूँ आपके वार्ड की आवाम दूसरे इलाकों की आवाम की बनीस्बत ज्यादा गंदगी करती है और साफ सफाई पर ध्यान नहीं देती इस ताल्लुक से आपका क्या बोलना है आपके वार्ड के लोगों के लिए वार्ड के लोगों के लिए यही है कि यार गटर के अंदर अगर बड़ी बड़ी थैली में भर के कचरा डाल देते अगर यही एहतियात करके एक जगह ला अगर फेंके तो ज़्यादा गंदगी भी नहीं होगी और हम हमारे घर की गटर के अंदर कचरा ला के अगर डालते हैं और वही गंदगी हमारे घर में बास आती तो ये तो हमारी सरासर गलती है और इस सर एक सवाल मेरे चैनल पर भी आया था कि कमालपुरा में जो कुरेश बिरादरी है वो दिन ब दिन गोश्त के दाम बढ़ाती जा रही है तो इस सिलसिले में आपकी उनसे बात हुई और आप कुछ करेंगे इस सिलसिले में मैंने इससे पहले पेपर में दिया था कि जो भी कानून के कानून के अंदर रहे के कानून के दायरे में जो भी महस का मटन यहां बिकता तो उसको कम रेट में बेचे भाव ना बढ़ा ये पेपर में भी मैंने दिया था और आज भी यही बोल रहा था और मैं बेचने की क्या वजह होंगी उनकी जो भाव बढ़ाकर नहीं मैं ऐसा समझता अभी भाव तो बढ़ा के कोई भी नहीं बेच रहा कहीं कहीं बेच है बिल्कुल बेच रहे हैं कई लोगों की शिकायत आ रही है की तो खास तौर पर अगर कोई दस पाँच रुपये अगर भाव बढ़ा रहा होगा तो माल लाने दिक्कत आ रही होगी भाड़ा थोड़ा गाड़ी का इसका उसका ऐसा कहीं ना कहीं तकलीफ आ रही होगी इसकी वजह से नहीं तो इससे पहले तो ऐसा था नहीं इससे पहले शिकायत भी नहीं थी कि कहीं भाव बढ़ा के बिक रहा और ये भी आया था कि आपके वार्ड में कमालपुरा में जो राशन की दुकानें हैं तो उन राशन दुकानों पर जो जी पास हुआ भी गवर्नमेंट का कि पांच किलो चावल फ्री नफरत मिलेगा हर एक को मिलेगा एक घर में अगर पांच लोग है तो पांचों को पांच किलो चावल मिलेगा लेकिन आपके वार्ड में जो राशन दुकान है वो नहीं दे रहे हैं इस सिलसिले में और आवाम नहीं समझ पा रही किसके पास जाए किसके सामने करें। तो इस सिलसिले में क्या कर नहीं नहीं आवाम क्या? आवाम बराबर समझ रही मैं आ, कल जितनी मेरे वार्ड में राशन दुकान है हर राशन दुकान पर मैंने कल राउंड मारा और राउंड मार के आवाम से सबसे बात करा और जो जीआर के मुताबिक है आ, सब टोटल बात उनको बता के और उनको खड़े रह के अनाज दिलाया हर दुकान पे आधा आधा घंटा में रुक के और अब सब आवाम को बताया कि एक पे पाँच किलो अगर राशन कार्ड में तुम्हारे दस नाम है तो पचास किलो अनाज लो ये हिसाब से सबको समझाया जाके